सो हे गाइस, तो आज हम देखने जा रहे हैं चेनसो मैन के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 2 को। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड को शुरू कर लेते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डेंजी रीज को बताता है कि वो कभी स्कूल नहीं गया, इसलिए उसे पढ़ना भी नहीं आता, जिसके बाद रीज डेंजी को उसके साथ रात में स्कूल चलने के लिए कहती है और डेंजी मान भी जाता है। और वही दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जिसने कि टाइफून डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था और डेविल अपनी पावर्स देने के बदले में डेंजी का हार्ट मांगता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो एपिसोड शुरू होता है और हम स्कूल को देखते हैं और रात का समय होने की वजह से वहाँ कोई नहीं था और हम देखते हैं रीज और डेंजी को, जहाँ पर रीज डेंजी को पढ़ा रही थी। रीज डेंजी से पहला सवाल पूछती है जिसका जवाब डेंजी बड़े आराम से दे देता है, और इसके बाद रीज डेंजी से दूसरा सवाल पूछती है जिसमें वो डेंजी को ब्लैकबोर्ड पर लिखे वर्ड को पढ़ने को कहती है। और डेंजी सोच रहा था कि अच्छा तो स्कूल ऐसा होता है। और इन सब के बाद रीज डेंजी से कहती है, तुम सिर्फ पूरा दिन डेविल्स को मारते रहते हो, जबकि तुम्हें तो इस वक्त कॉलेज में होना चाहिए था, दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाना चाहिए था। जिसके जवाब में डेंजी कहता है वो खुश है जब तक उसे 3 वक्त का खाना और सोने के लिए बिस्तर मिल रहा है। जिस पर रीज कहती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो बहुत बेसिक चीज है जो तुम्हें दी जा रही है। और डेंजी कहता है ये सब सोच के उसका दिमाग गर्म हो चुका है। फिर रीज कहती है तो चलो स्विमिंग करते हैं, और डेंजी बताता है कि उसे स्विमिंग नहीं आती, जिस पर रीज कहती है वो उसे सिखा देगी। और रीज अपने कपड़े उतारने लगती है और ये सब देखकर डेंजी काफ़ी परेशान हो जाता है और वो सोचता है नहीं, वो ये नहीं कर सकता, ये माकिमा के साथ धोखा होगा। पर फिर रीज डेंजी को पूल में आने के लिए कहती है और डेंजी तुरंत तैयार हो जाता है और पानी पे कूद जाता है। और रीज डेंजी को जब स्विमिंग सिखा रही थी उसी वक्त काफ़ी ज़ोरों से बारिश होने लगती है और वो दोनों क्लास में आ जाते हैं। और खिड़की से बाहर देखते वक्त रीज डेंजी से पूछती है कि वो क्या चुनेगा, शहर का चूहा या गांव का। और दूसरी ओर एंजल डेविल भी आकी से वही सेम क्वेश्चन पूछता है और एंजल डेविल सेंटेंस को आगे एक्सप्लेन करते हुए कहता है, गांव में रहने वाले चूहे को ज़्यादा सुविधाएं नहीं मिलती पर वो सुरक्षित रहता है, और दूसरी ओर शहर के चूहे को आराम और अच्छा खाना मिलता है पर उसे हमेशा मरने का खतरा रहता है। और गाइस, यहाँ पर गांव का चूहा सिविलियन हंटर को और शहर का चूहा पब्लिक सेफ्टी को कहा गया है। और गाइस, अगर आपको इसका कोई और मीनिंग लगता है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। और ये सब कहने के बाद एंजल बोलता है वो गांव का चूहा बनना चाहता था पर माकिमा उसे शहर ले आई। और फिर दूसरी ओर डेंजी कहता है वो शहर में रहना चाहेगा, जिसके बाद जब रीज रीज़न पूछती है तो डेंजी उसे कहता है शहर मज़ेदार है और वहाँ अच्छा खाना भी है। और फिर रीज डेंजी से कहती है क्या उसके लिए सिर्फ खाना और मज़ा ही मैटर करता है, जिस पर डेंजी कहता है हाँ। और फिर रीज डेंजी को कल होने वाले फेस्टिवल के लिए इनवाइट करती है, वो कहती है उसे वहाँ खाना और मज़ा दोनों मिलेगा और ये एक डेट होगी। जिसके बाद रीज वहाँ से गर्ल्स रूम की तरफ चली जाती है और जब रीज आधे रास्ते में ही थी उसके पीछे एक आदमी हाथ में चाकू लेके आ जाता है जो कह रहा था चलो साथ में बाथरूम चलते हैं। और दूसरी ओर डेंजी को अब आंख बंद करने पर रीज और माकिमा दोनों दिखाई दे रही थी। और दूसरी तरफ रीज अपनी जान उस आदमी से बचाते हुए छत की तरफ भागती है और फिर फाइनली वो दोनों एक जगह जाके रुक जाते हैं। और रीज उस आदमी से पूछती है आखिर उसे क्या चाहिए, जिसपे वो आदमी कहता है मुझे तेरी जान नहीं चाहिए, मुझे तो बस तेरे चेहरे की चमड़ी और तेरी आंखें चाहिए। और ये वही आदमी है जिसने टाइफून डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था और डेंजी को मारने के लिए रीज की आंखें मांग रहा है, क्योंकि उसे लगता है डेंजी रीज से प्यार करता है इसलिए वो इस तरह से डेंजी को ब्लैकमेल कर सकता है। और ये सब कहने के बाद वो आदमी रीज पे हमला करता है पर रीज अचानक से उसके हाथ पकड़ लेती है और चाकू गिर जाता है और रीज उसके पीठ पर चढ़कर उसके गले को दबाने लगती है। और रीज दूसरी लैंग्वेज में कहती है मैं जेन के साथ डेट पर जा रही हूँ, हम दोनों सुबह चर्च जाएंगे, फिर हम कॉफ़ी पियेंगे, पार्क में घूमेंगे, एक्वेरियम में डॉल्फिन्स देखेंगे और अपनी रात चर्च में बिताएंगे। और वो आदमी मर जाता है। और फिर रीज टाइफून डेविल को देख लेती है और टाइफून डेविल कहता है मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पर हैं। और रीज उसे तूफान रोकने और लाश को ठिकाने लगाने कहती है। और फिर हम अगला दिन देखते हैं
जहाँ पर रीज और डेंजी फेस्टिवल में घूमने आए थे। वो दोनों काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। रीज और डेंजी डिफरेंट फूड्स और गेम्स ट्राई करते हैं और फाइनली एक ऊंची जगह से सुंदर नज़ारे देखते हैं, जिसके बाद रीज फिर से डेंजी से वही सवाल करती है कि उसे अपनी ज़िंदगी खतरे में नहीं डालनी चाहिए, उसे डाइवर्स मारने की जगह स्कूल जाना चाहिए। और रीज डेंजी का हाथ पकड़ के उसे उसके साथ भाग जाने को कहती है। रीज डेंजी को यकीन दिलाती है वो खुश रहेगा और वो उसे प्रोटेक्ट करेगी। और इसके बाद डेंजी रीज से कहता है भाग जाए, पर कहाँ और आखिर वो उसके लिए ये सब क्यों करना चाहती है। जिस पर रीज कहती है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और जब डेंजी कुछ नहीं कहता तो रीज पूछती है क्या डेंजी उसे पसंद नहीं करता, और कुछ देर चुप रहने के बाद डेंजी कह देता है कि वो भी रीज को पसंद करता है। पर डेंजी रीज से ये भी कहता है वो अपना काम नहीं छोड़ना चाहता, क्या वो अपना काम छोड़े बिना रीज के साथ नहीं रह सकता। और फिर रीज कहती है क्या वो किसी को पसंद करता है, और डेंजी इससे पहले कुछ बोल पाता रीज उसे किस कर लेती है और आसमान में आतिशबाजी होती है। और इसके बाद डेंजी नीचे गिर जाता है और हम देखते हैं उसके मुंह से खून निकल रहा था और रीज ने डेंजी की जबान काट ली थी। और जब डेंजी को खतरे का अंदाज़ा लगता है तो वो ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है, और उससे पहले ही रीज डेंजी का हाथ काट देती है और उसके गले पर भी एक कट लगा देती है। और फिर रीज डेंजी से पूछती है क्या उसे दर्द हो रहा है, और वो डेंजी को किस करती है, अब मैं तुम्हारा दिल लेने वाली हूँ। पर उसी वक्त ज़मीन के अंदर से शार्क बाहर निकलता है और डेंजी को लेकर वहाँ से भागने लगता है। ये खुशबू तो बॉम्ब डेविल की है, आखिर मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं पता चला। और फिर रीज अपने गले पे लगी पिन को खींचती है और उसकी बॉडी फट जाती है और रीज ट्रांसफॉर्म होने लगती है, जिसके बाद वो बन जाती है बॉम्ब डेविल। और अब बॉम्ब डेविल शार्क पर गुस्सा थी। और फिर हम एक फायरबॉल देखते हैं और बॉम्ब डेविल अपनी सुपर स्पीड से अचानक उनके सामने आ जाती है। और इसी के साथ हमारा चेनसो मैन सीजन 2 का एपिसोड नंबर 2 यहीं पर खत्म होता है। तो क्या अब शार्क डेंजी को बॉम्ब डेविल से बचा पाएगा, ये सब तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। और अगला एपिसोड काफ़ी सस्पेंसफुल होने वाला है, तो उसे मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, अच्छी लगी तो लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।